Subscribe to Shemaroo Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. Banjara, banjara, hamara aashiyana banjara. Banjara, banjara, hamara aashiyana banjara. Har koi aa yahan, jana anjana, dost begana. हर दिन अफसाना नया नया एक ताना बाना नया नया है सबका ये ठिकाना बंजारा बंजारा हमारा आशियाना बंजारा Hello. Yes, yes, Banjara Guest House. Yeah, yeah, milega, zarur milega. Are pura guest house aapke liye hai. Aha, aap aaiye na. माफ करना भाई लगा तो नहीं 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 लगा ध्यान से जाइए जाइए हाय आराम से अरे आपके पास माचिस थैंक यू अब भाई साहब जरा सीढ़ी पकड़ेंगे मुझे ऊपर जाना है हाँ कस के पकड़िएगा हाँ हाँ चलो आराम से आराम ध्यान से ध्यान ए ध्यान ए हमारा बंजारा गेस्ट हाउस सीढ़ी लगा के खा जा रहे हो कुछ पूछना नहीं और किसी को बोलना नहीं हाँ। छिप के सिगरेट पीता है जरूर आइए एक मिनट चुप नहीं नहीं आपसे नहीं आपसे नहीं आप चुप मत करिए आप रूम बुक करिए आहो जी मिलेगा मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा एसी मिलेगा नॉन एसी मिलेगा तुझे कितनी बार कहा है बीच में मत बोला कर नहीं नहीं आपसे नहीं कहा आप बीच में बोल सकते हैं आपका तो राइट है वो अब अगर बीच में बोला तो मैं ये फोन तेरे मुंह पर मार दूंगा नहीं 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 जी आपके मुंह पर फोन कैसे मार सकता हूँ मार ही नहीं सकता आपका मुंह वहाँ है फोन यहाँ है और वैसे भी आप हमारे कस्टमर है कस्टमर को मारो बोली वहाँ गेस्ट हाउस में चोर घुस गया तो उसको रूम दे दो कौन सा रूम दे दूं आठ नंबर दे दो आठ नंबर में एसी नहीं है ना अरे तो छह नंबर दे दो ना छह नंबर दे दो ना हाँ हाँ जी अरे साहब हमारे गेस्ट हाउस में चोर घुस गया चोर घुस चोर थीफ चोर नहीं नहीं आपसे नहीं आपसे नहीं हमारे गेस्ट हाउस में चोर घुस गया वो पीछे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है ऊपर चढ़ रहा है तो तूने रोका क्यों नहीं अरे मैं आपके पूछे बिना रोक देता तो आप कहते मुझसे पूछा क्यों नहीं इसलिए पूछने आया हूँ मैं पूछ लिया ना हाँ तो जा जाके रोक हाँ अकेले रोकना होता तो मैं पहले नहीं रोक लेता किधर है गेस्ट हाउस में चोर घुसाया इसने रोका नहीं मुझसे पूछने चला आया अरे चोर को रोकने के लिए पूछने की क्या जरूरत है चोर को तो सिर्फ मैं यहाँ हूँ आप आगे नहीं तू यहाँ आगे तू जा मैं आ गया मैंने देखा आप हो मैं तो नफरत चलो आगे ये चोर है ये भाई साहब मेरी टोपी जरा टोपी गिर गई तो बताए मस्तान कॉलेज के जमाने में ना मैं लड़कियों को टोपी पहनता था टोपी 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 यस टोपी गलत थ्रो हो गया हाँ गलत थ्रो हो गया अभी सही थ्रो होगा हाँ देखना अभी सही थ्रो यस कुछ उस संभाल के थैंक यू देखा क्या थ्रो था क्या थ्रो था आपको इतना भी नहीं पता भागते चोर की टोपी काफी होती है उसकी टोपी दे दी आपने चोर था वो चोर
वो चोर था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कैच एम कैच खेल रहे हो उसके साथ। तो मैं कैच एम कैच खेल रहा हूँ तो तू भी तो कैच एम कैच देख रहा है। चलो अब पकड़ते हैं। हाँ चलो पकड़ो। अब क्या पकड़ते हैं? तो वो चला गया। रोशनी कितना अच्छा लग रहा है ना यार, शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप मेरे कितने खिलाफ थे मुझे याद है। अब देखो हमारी तो शादी भी होगी and we are over here for an honeymoon. Oh no, मनीषा! अरे मनीषा मैम सब शादी में गई हुई हैं। ओह वो मनीषा को भी अभी शादी पे जाना था। अब नहीं क्या पता था कि आज चोर आने वाला है। लेकिन अब तो आ गया। तो चला भी गया। चलो अपन पकड़ते हैं। हाँ चलो। आजा। तू सीढ़ी पकड़ना। मैं चोर को पकड़ूंगा। ठीक से पकड़ना। अरे आप सीढ़ी से क्यों जा रहे हो? आप चोर हो क्या? मुझे चोर कहता है? नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो सीधे रास्ते से जा सकते हैं ना। ओह यस। तू इतना देर से क्यों बोलता है? अरे देर से नहीं बोलता हूँ, आप देर से समझते हो। देखा? अजय रोशनी मेरी बाहों में आ जा। कम इन टू माय रोशनी। रोशनी 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 लगता है अपने माँ बाप को याद करके ये बेहोश हो गई। कह रहा हूँ आपसे चोर चोर पहले नहीं बोल रहा। लास्ट मोमेंट पे तुम आप खेलने में लग गए थे वहाँ पे। तो तू खेल खेल में पकड़ लेता। खेल खेल में पकड़ लेता, ऐसे खेल खेल में पकड़ लेता। मुझे मत मार देना। हेलो 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 साहब, ये तो प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? ये तो किराया आ गया। अब इधर जाए कि उधर जाए? वो जो खिड़की है जहाँ से वो चढ़ा है वो इधर खुलती है कि उधर खुलती है? एक काम कर बनता है, तू पहले इधर जाके देख और फिर इधर जाके देख। ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे? मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। क्या बात है? आप सारे काम मुझे देते हो आप? मैं मैनेजर हूँ, तुझे जाना पड़ेगा। नहीं 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 आप समझे नहीं। देखो एक बात है, एक पॉइंट है कि अगर मैं उधर गया और वो उधर हुआ तो उधर से निकल जाएगा, अगर मैं उधर गया और वो उधर हुआ तो उधर से निकल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ खड़ा रहूंगा ना। अरे आप तो खड़े हो ना, आप ढूंढ थोड़ी रहे हो। तो फिर मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, आप उधर जाके ढूंढो, मैं उधर जाके ढूंढता हूँ। यस। तू इतना देर से क्यों बोलता है? मैं देर से नहीं बोलता हूँ, आप देर से समझते हो। हेलो भगवान, भगवान करे चोर उधर ही हो। देखने की जरूरत ही क्या है, मरना है क्या अपने को? साहब नहीं है। लगता है फूड इंस्पेक्टर आया है। मुझे देखने की क्या जरूरत है? मस्तान देख रहा है ना? Yes. मस्तान नहीं है। पिछले वक्त फूड इंस्पेक्टर आया तो सब घोटाला हुआ था। ये सब वो क्या हुआ? मनोहर साहब किधर है? मुझे नहीं मालूम। एक मिनट, इधर तो कोई नहीं है। इधर तो कोई नहीं है। मालूम है अंदर कोई आदमी आया है, बड़ा आदमी लगता है। वो बटाटा को ऐसा उछालता है और पकड़ता है, टमाटर को ऐसा घुमाता है और देखता है। और मेरे को तो लगता है कि वो फूड इंस्पेक्टर आएगा। आश्चर्य बोल। हाँ मनोहर साहब को ये बात बताना पड़ेगा। लेकिन काउंटर पर तो कोई नहीं है। एक मिनट, शायद गार्डन में बैठे होंगे, पप्पू खेलते होंगे। मैं जाके देखता हूँ। और देखो अगर मनोहर साहब इधर आ जाएंगे ना तो उनको बोल देना कि इंस्पेक्टर आए ले। ओके, डोंट फॉरगेट। ओ थैंक गॉड, तू ठीक तो है ना? हाँ। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तूने देखा उसको? नहीं मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना। अरे हमारे यहाँ क्यों आ गया वो? पता नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ है जो नहीं। अच्छा साहब का है? साहब तो ऊपर है, उसे ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन डैडी तो कहा वो किचन में है। क्या किचन में? हाँ। तू आगे चल। क्या? नहीं चलना, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना तेरे साथ।
हेलो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, अगर उसने पीछे से आके पकड़ लिया तो मैं उल्टा जाता हूँ। किधर चुपके सिगरेट पीता होगा मैडम। मैडम को बोलना पड़ेगा। मनोहर साहब, मनोहर साहब, मनोहर साहब। कितना खूबसूरत माहौल है ना यहाँ की। हसीन वादियाँ कोई भी नहीं है। तू बेकार में डर रही थी, है? कह रही थी कि किचन में कोई है। कौन है? लेकिन डैड ने तो कहा था वो किचन में ही है। अरे वो मुझे देख के भाग गया होगा। वो ये देख के अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, मौका अच्छा है। साहब उसको ढूंढ रहे हैं और पॉल जो है साहब को ढूंढ रहा है। एक काम करते हैं बेला, हम दोनों मिलके ना उसे इसके अंदर से ढूंढते हैं। आज तुम जाओ बेला। चोर ये कैसे चोर? अरे मैं आपको बताता हूँ ये कैसे चोर। आपने इसको 50 रुपए सिगरेट के दिए, लेकिन ये 30 रुपए की सिगरेट खरीद के लाया, 20 रुपए कहाँ गए? नहीं समझे? फिर से बताता हूँ, देखिए आपने इसे 50 रुपए सिगरेट लाने के लिए दिए, लेकिन ये 30 रुपए की सिगरेट लेके आया, पर 20 रुपए कहाँ गए? आप जरा इससे पूछे पूछे पूछे, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो मस्तान? नहीं तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें 50 रुपए सिगरेट के दिए, लेकिन तुम 20 रुपए की सिगरेट लाए, पर 20 रुपए कहाँ गए? नहीं बताओ तुम। आप दोनों की झगड़ने के चक्कर में वो फूड इंस्पेक्टर चला गया। फूड इंस्पेक्टर नहीं चोर। लेकिन डैड तो कह रहे थे कि वो फूड इंस्पेक्टर है। अरे तुम्हारे डैड को तो हर आदमी फूड इंस्पेक्टर नजर आता है। तुम 20 पे टांग मत बढ़ाओ। अच्छा तुम बताओ वो 20 रुपए कहाँ गए? आप बताओ, वो बेवकूफ बना के चला गया तुम्हारे को, मेरे को चोर बता के। हाँ वो चोर था, वो चोर था। अरे पुलिस को फोन करो। वो बुलबुल है ना, पता हमें क्या कह रही है? कि मेरे करीब आओ रोशनी, आई लव यू रोशनी, आई लव यू। मनोहर साहब, रोशनी, रोशनी, मनोहर साहब को देखा है आपने? अरे मनोहर साहब, मैं क्या आपको मनोहर साहब लगता हूँ? मनोहर साहब यहाँ पे क्या करेंगे? अरे मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। हमने तुम लोग का क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा, आई एम सॉरी, मैं तो मनोहर साहब को ढूंढता था। अरे तुम यहाँ से जाते हो यार, हम लोग यहाँ से। नहीं 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 पोरिया, तुम इधर लव करो, हनीमून करो, जो मांगता है करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रोशनी सुनो, रोशनी, रोशनी साहब चलो पुलिस को फोन करना, जल्दी जल्दी उसको फोन करो। फोन पुलिस 100, बात कीजिए। बड़े बड़े डाकुओं की देखा देखी, छोटे मोटे चोर भी खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। वेरी गुड, आई लाइक द स्पिरिट, बट आई डोंट लाइक इट। यहाँ अकाउंट्स में बहुत ऊंचा नीचा है, बहुत लोचे हैं। हाँ अकाउंट्स की बात कर रहा है, कहीं ये इनकम टैक्स का आदमी तो नहीं? इनकम टैक्स, पुलिस कैंसिल, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे गड़बड़ तो यहाँ पर है, पूरी बिलिंग गलत है। ये देखिए क्या, यस ये देखिए, ये बिलिंग में ये सारा गड़बड़ है। यहाँ पर ये नीचे देखिए, और ये देखिए ये पूरा गड़बड़ है। नहीं इतनी गड़बड़ मैं नहीं कर सकता। हाँ इतनी गड़बड़ नहीं कर सकते, साहब हमारे मैनेजर हैं। मैं जानता हूँ ये यहाँ के मैनेजर है मिस्टर मनोहर, लेकिन गड़बड़ है क्योंकि ये बहुत बुद्धू है। क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है आप बुद्धू दिखते हो लेकिन आप बुद्धू नहीं हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो, हैंडसम हो, चालाक हो, होशियार हो। फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं लेकिन गड़बड़ है। हाँ आपकी वजह से नहीं है ये बिल बनाता ना, गड़बड़ इसकी वजह से है। एक्सक्यूज मी, अबे मेरे पीछे क्यों पड़ा तू? और तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू मुझसे 50 रुपए ले जाता है लेकिन 30 रुपए की सिगरेट लाता है, पर 20 रुपए कहाँ चले जाते हैं? और बिल भी तू ही बनाता है, और बिल तू। अरे मैं बिल कहाँ बनाता हूँ, क्या हो गया आपको? मेरे खानदान में कभी किसी ने पेन की शक्ल नहीं देखी है। अरे उसने कही और आपने मानी? हाँ उसने कही मैंने मानी, इसीलिए हम दोनों ज्ञानी। कौन सा मुहावरा कहाँ फिट कर रहे हो साहब, वो ज्ञानी हमको ज्ञानी बना गया है। हेलो हेलो मिस्टर पॉल, राइट राइट, यहाँ का हेड कुक, राइट राइट, और तुम आज आलू टमाटर का भाजी बना रहा है, राइट राइट। तुमको ये भाजी बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो। तू मेरे को सब कुछ मालूम है तो तू मत बताओ नहीं कि हमको आलू बटाटा का भाजी बनाने को कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से तुम्हें
10 मिनट के करीब लगेंगे, राइट? राइट। रॉन्ग। तुम्हें 10 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि 17 मिनट 30 सेकंड से तुम किचन से ऑलरेडी बाहर हो। आधा मिनट तुम्हें यहाँ से किचन पहुंचने में लगेगा, आधा मिनट हम जो ये बात कर रहे हैं उसका लगेगा। तो इसका मतलब 28 मिनट 30 सेकंड में तुम 10 मिनट की भाजी बनाओगे, राइट मिस्टर मनोहर? मिस्टर मनोहर, ये सारी गड़बड़ आपके स्टाफ की वजह से है, क्योंकि 10 मिनट की भाजी बनाने के लिए इन्हें 28 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, और इनकी तनख्वाह के हिसाब से इनके 35 रुपए 60 पैसे कटने चाहिए, राइट? राइट। अब बात कीजिए। मगर काटने का बात करते मनोहर। यस यस राइट। मैं तुम्हारे 35 रुपए 60 पैसे काट कर रहूंगा। तुम अरे चुप। तुम 10 मिनट की भाजी 28.5 मिनट में बनाओगे? तुम्हें बंजारा गेस्ट हाउस की प्रेस्टीज का जरा भी ख्याल नहीं है? अरे सर, मेरे को तो प्रेस्टीज का पूरा ख्याल है, इसलिए तो मैं तुम्हारे को वो गार्डन के अंदर वो बोलते है ना 17.5 मिनट ढूंढने को गया था। और मेरे को तो ये आदमी है ना बहुत बड़ा आदमी लगता है, वो अंदर है ना वो बटाटा को उछाल उछाल कर और टमाटर को घुमा घुमा कर चेकिंग करता था, और मेरे को तो लगता है कि वो फूड इंस्पेक्टर है सर, फूड इंस्पेक्टर। हाँ। तमेरे को तो हर आदमी फूड इंस्पेक्टर लगता है। अरे फूड इंस्पेक्टर कोई सीढ़ी से चढ़कर आता है क्या? बेवकूफ, वो इनकम टैक्स ऑफिसर था। इनकम टैक्स ऑफिसर सीढ़ी से चढ़ के आता है क्या? इस बार तुम मिलाओगे, मैं बात करूंगा। चल जल्दी जल्दी। हेलो, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ पर एक फूड इंस्पेक्टर। हाँ फूड इंस्पेक्टर घुसा है। नहीं, हमारे यहाँ एक इनकम टैक्स ऑफिसर घुसा है। अरे आप छोड़ो, देखिए हमारे यहाँ एक चोर घुसा है। है? वो पूछ रहे कहाँ? बंजारा गेस्ट हाउस में। कितना अच्छा लग रहा है ना यार, जी चाहता है कि इसी गेस्ट हाउस में बच जाए। यहाँ की हसीन वादियाँ, ये फिजाएं, वो पत्थर हमसे ये कह रही है कि आ रोशनी, मेरी बाहों में आ जा। आई लव यू रोशनी। रोशनी, रोशनी, हेलो रोशनी, क्या हुआ रोशनी? क्या हुआ भाई साहब? बेहोश होगी। तुम वही आदमी हो जिसे बार बार देख के मेरी बीवी बेहोश हो जाती है। अरे अरे क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोग का, क्या बिगाड़ा हम लोग ने तुम लोग का? अरे जब भी मैं अपनी बीवी के करीब आने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई बीच में टांग अड़ा देता है, और तुमने अभी फिर टांग अड़ा दी, क्या बिगाड़ा? अरे क्यों तुम एक पति की बददुआ ले रहे हो? अरे हाँ मैं न्यूली मैरिड कपल में तुम्हारे पास। मैं फिर नहीं आऊंगा, मुझे माफ। अरे भाड़ो यार तुम यहाँ से जाओ। भाई साहब आप इन्हें होश में लाने की। अरे काय का होश? आपका हनीमून भाई साहब। होश में? हाँ होश में। हमें मदद करता हूँ रोशनी, जरा मदद कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर खोटे। अच्छा खोटे ना आए चौधरी। ओहो इंस्पेक्टर चौधरी, अच्छा हुआ आप आ गए। वेरी गुड। मुझे फोन किसने किया था? फोन डायल इसने किया था, बात इन्होंने की थी। अपन लास्ट में तो तू बोला था ना। तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? पूछता हूँ। छोड़ अपना एड्रेस तो देखे नहीं गया। यहाँ था किचन में भी था ना बटाटा टमाटर के साथ। यहाँ भी था। हाँ यहाँ था, फिर उसके बाद यहाँ से गार्डन गया था। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जहाँ जाके गार्डन में उसे पकड़ के लेकर आओ। साहब अगर हमें पकड़ना होता तो फिर हम आपको क्यों बुलाते हैं? जब मेरा काम में सिखाओ जाओ। चलो साहब आपने बहुत खड़ूस है साहब, इससे अच्छा तो अपना वो खोटे ही था। चोर नहीं पकड़ता था लेकिन कम से कम बात तो ढंग से करता था। तुम खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। सर लेके आओ। जाओ ना। अब तुम बताओ चोर कहाँ? चोर कहाँ है? फोकट का भड़क जाता है ऐसा ही आता है हमारे आंख के ऊपर। दिस इज टू मच। क्या हुआ डैड? अरे क्या क्या हुआ, एक इंस्पेक्टर आता है और मेरे को ऑर्डर देता है कि हमारे लिए जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। हमको क्या वेटर समझता है क्या? हमको क्या मस्तान समझता है? इंस्पेक्टर नहीं वो चोर है। अरे नहीं दिख रहा, नहीं वो सचमुच का इंस्पेक्टर है। अब इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म में चोर कैसा हो सकता है? लेकिन मस्तान ने तो ये तुम मस्तान का बात नहीं करने का, मस्तान को तो सब शरीफ आदमी चोर लगता है। लेकिन साहब ने भी। अरे साहब साहब क्या करते, साहब को तो आधा मालूम नहीं है वो क्या बोलते हैं वो। देखो देखो तुम प्लीज घोटाला नहीं करने का, मैं जाके वो इंस्पेक्टर को ठंडा रखता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, तू भीतर किचन में संभाल के लो। हाँ प्लीज कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं करो। बाजू हटो। चोर मस्तान गया है ना गार्डन में, मस्तान गया ढूंढने गया।
शाम को हम दोनों बोटिंग जाएंगे, साथ रहेंगे, है ना? Excuse me, मैडम, आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसने काली टोपी पहन रखी हो, जिसने एक मिनट भाई साहब मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, जिसने काला ओवरकोट पहन रखा हो? मुझसे बात कीजिए, मुझसे। ये कौन है? मैं कौन हूँ? मैं इसका पति हूँ। ये मेरी बीवी है। हम इस होटल में 6 नंबर कमरे में रह रहे हैं। हम दोनों जी हाँ ठीक है, आपने आप ही वहीं से है ना? हम दोनों हनीमून बनाने के लिए आए हैं। और कुछ जाना है आपको? नहीं, 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 मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। आपको परेशान करने का इरादा नहीं था, मैं सिर्फ एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कि पागल है। आपका ये कहने का मतलब है कि मैं पागल हूँ, मेरी बीवी पागल है, हम दोनों पागल है ना? ये बात मैं अपने मुँह से कैसे कह सकता हूँ? मस्तान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ठीक वक्त पे आए हैं आप। ये पूछिए कि क्या नहीं हो रहा। पहले एक आदमी हमें वहाँ परेशान करके गया, अब ये साहब हमें परेशान कर रहे हैं। एक पागल आदमी हमें बार 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 कमरे में परेशान कर रहा है और आप पूछ रही कि क्या हो रहा है? वो जरूर मनोहर होगा। देखिए भाई साहब, देखिए बहन जी। भाई साहब, बहन जी, अरे अरे हम दोनों मियाँ बीवी हैं भाई। ओह सॉरी सॉरी, देखिए मिस्टर मियाँ, मिस बीवी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ। बंजारा गेस्ट हाउस की तरफ से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और चलो मेरे साथ, आप एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। साहब ये रख लीजिए, कोई तंग करने आए तो। इंस्पेक्टर चौधरी, इंस्पेक्टर चौधरी, आप ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे, मैं आपके सर पे खड़ा रहूंगा तो चोर को कैसे पकड़ेंगे? नहीं मतलब। हेलो इंस्पेक्टर चौधरी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए ना आपके लेबल पे लिखा है सतबीर सिंह चौधरी। Quite intelligent, I like it. Thank you. लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब के, इन्होंने फोन करके आपको बुलाया और आप यहाँ पर आ गए। देखिए आज तक तो हमारी पुलिस की यही रेपुटेशन है ना कि वो लेट आती है, लेकिन आप तो 5 मिनट में यहाँ आ गए। Even I like it. Thank you. वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचाना क्या, यही चोर है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैं अपने विसल से रोक सके। ओ इंस्पेक्टर साहब, तब तक ये मेरी विसल से गुजारा कर लीजिए। थैंक यू। चोर, अरे क्यों मजा रहे हैं ये फी फी? अरे यार मदद के लिए। मदद तो आपकी भगवान भी नहीं कर सकता, वो देखो निकल गया। गेस्ट हाउस बंद करा के दम ले रहा तुम? हाय कौन है आप? चोर, चोर है। पकड़ लीजिए। तुम भी पकड़ के रखना, और मनीषा इनसे बात बिल्कुल मत करना। क्यों? ये लोगों को अपनी बातों में घुमाते हैं और खुद रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे नहीं यार, एक मिनट, मनीषा तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई आर्ची। भाई तुम तो जानती हो मुझे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इंस्पेक्टर साहब देख लिया ना, हम एक ही फैमिली के हैं। हाँ ठीक है। भाई साहब मैं हूँ इनके डैडी के बड़े भाई की छोटी बहन का बेटा। मनोहर मैंने तुम्हें कहा था ना एक बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगी, यही है वो सरप्राइज। ये सरप्राइज है कि शौक है। साहब कैसे खानदान में शादी किया आपने? नहीं यार, मैंने तो अपनी शादी में इनकी शक्ल बैंड वालों में भी नहीं देखी थी। अरे कैसे देख सकते थे, मैं तो वहाँ पर था ही नहीं जीजू। और यहाँ आने से पहले मैंने कहा मैं पहले जाके देख तो लूं कि कैसा घर है, कैसा माहौल है, क्या है, तो मैंने सब पता कर लिया है। तुम्हारे यहाँ पर 8 कमरे हैं, 8 में से 4 लगे हुए हैं और 2 में हनीमून कपल रह रहे हैं। भाई साहब आपका बचपन का जासूसी का शौक अभी तक गया नहीं? नो। देखा कितने एफिशिएंट है मेरे भाई साहब। अरे भाई जहाँ जाकर हमेशा के लिए रहना है उस जगह का तो पता होना चाहिए ना। हमेशा के लिए? भाई हो तो ऐसा। बंजारा बंजारा हमारा आशियाना, बंजारा 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 हमारा आशियाना बंजारा।